गोंदिया जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू है। पांचवें दिन 1 अक्टूबर को विधायक गोपाल दास अग्रवाल सहित पांच ने नामांकन दाखिल किया है। इसमें गोंदिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए गोपाल दास अग्रवाल, अतुल हलमारे, प्रदीप सोमाजी वासनिक, प्रमोद गजबिये ने नामांकन दाखिल किया। इसमें अतुल हलमारे के दो नामांकन है। इस तरह कुल चार उम्मीदवारों ने पांच नामांकन दाखिल किया। इसी तरह तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र में दो नामांकन दाखिल हुए हैं, जिसमें राजकुमार तायवाड़े व राजेंद्र बोंद्रे का समावेश है। उल्लेखनीय है कि अर्जुनी मोरगा व देवरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव प्रक्रिया के पांचवें दिन किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया है, जबकि अर्जुनी मोरगा क्षेत्र में 50 लोगों ने 117 नामांकन पत्र उठाए है। वही देवरी में 39 नामांकन पत्र लिए गए है। इसी तरह गोंदिया में 57 लोगों ने 136 नामांकन पत्र उठाए है। 2 अक्टूबर को शासकीय अवकाश होने से चुनाव प्रक्रिया बंद रहेगी। इसके बाद 3 और 4 अक्टूबर को दो दिन उम्मीदवारों की भारी गहमा गहमी रहेगी। कांग्रेस विधायक गोपाल दास अग्रवाल के भाजपा प्रवेश के बाद भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरेंगे, यह स्थिति स्पष्ट हो गई है। बावजूद स्थानीय जलाराम लॉन में हुई भाजपा कार्यकर्ताओं की सभा में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विनोद अग्रवाल को चुनाव लड़ाने की घोषणा की गई। अग्रवाल को भाजपा में शामिल कर टिकट देने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। भाजपा में नया सिक्का नहीं चलेगा और इस तरह वरिष्ठ नेताओं के निर्णय का विरोध करते हुए विनोद अग्रवाल को सहयोग करने की बात कही, जिसके बाद विनोद अग्रवाल ने बगावती तेवर अपनाते हुए 3 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे नामांकन भरेंगे। इसके पहले स्वागत लॉन में सभा होगी।